चीरघाट प्रसिद्ध धार्मिक नगरी मथुरा के वृंदावन धाम यमुना किनारे है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में स्नान करती गोपिकाओं के वस्त्र चुराए थे, इसलिए इस घाट का नाम चीरघाट पड़ा। ये वृंदावन का प्राचीन तीर्थ और पौराणिक घाट है चीरघाट। यहाँ पे भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में जो महत्वपूर्ण लीला है क्षीर लीला, ये उसकी स्मृति में है। प्राचीन कदम्ब वृक्ष यहाँ परंपरागत रूप से है। यहाँ पे गोपियाँ जब वस्त्र उतार कर स्नान करती थीं यमुना में, तो भगवान कृष्ण ने एक संदेश दिया कि स्नान महिलाओं के लिए निर्वस्त्र होकर के करना वर्जित है शास्त्र के अनुसार। उस संदेश को देने के लिए भगवान उनका चीर लेकर के कदम वृक्ष पर चढ़ गए, और जब गोपियों ने विनय किया तब वो वस्त्र उन्हें प्रदान किए। तो ये वही कृष्ण थे जिन्होंने महाभारत के समय पे एक अबला स्त्री पर जब उसका चीर खींचा जा रहा था द्रौपदी का, तो वो चीर भी बढ़ा दिया था। यहाँ उन्होंने चीर लेकर के एक संदेश दिया महिलाओं को, गोपियों को, और वहाँ पे महाभारत के समय पे चीर बढ़ा के एक संदेश दिया कि महिलाओं की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये प्राचीन तीर्थ है चीरघाट। यहाँ पे 18वीं शताब्दी में मल्हार राव होलकर, जो इंदौर स्टेट के राजा थे, उन्होंने इस घाट का निर्माण करवाया। पीछे महारानी अहिल्याबाई होलकर की कुंज भी है, जो चीर बिहारी ठाकुर जो है उसके अंदर में स्थापित हैं। यह बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है।